हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी अर्थ सर्वाइवल इवॉल्व वाली सीरीज के अंदर। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि कैसे मैंने स्टिगो और पैरासोरस को टेम किया था, ठीक है। तो वो कम्प्लीटली टेम नहीं हुए थे, यहाँ पे नॉक पड़े थे, ठीक है। तो उनके लिए मैंने कुछ जाल भी बिछाए थे, तो वो दोनों टेम हो चुके हैं गाइस। और आपके लिए एक और ज़्यादा खुशखबरी की बात है कि मैंने कुछ और भी डायनासोरस को टेम किया था, तो उनको भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे। और उनका किसी का भी नाम नहीं रखा, तो आगे वाले एपिसोड में कमेंट में पढ़ूंगा कि नाम उनका क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा ये डायनासोर है, उसका नाम है स्टिगो, जो इसका लेवल है उसका है 213, ओके। और ये हमारा मेल है। उसके बाद हमारा दूसरा जो डायनासोर जो हमने यहाँ पे टेम किया था वो था पैरासोरस, ठीक है। एक है 134 लेवल का और दूसरा है 120 लेवल का। जब भी मैं इसको टेम कर रहा था, तब पास में मेरे को एक और यही डायनासोर मिल गया था, तभी इसको मैंने टेम कर लिया था साथ ही साथ, ठीक है। उसके बाद जब ये टेम हो रहे थे तो इनको टेम होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो मैं वहाँ से मतलब कि जो अपना पुराना बेस है वहाँ से मैं ट्राइक को लेके आया और यहाँ पे बहुत सारी ढेर सारी मतलब बेरीज इकट्ठा की और उसके बाद इनको टेम किया, ठीक है। उसके बाद ये जब टेम हो रहा था स्टिगो, तो उसके अंदरग्राउंड मैंने इन दोनों को टेम किया। एक हमारा है बायरेक्स 104 लेवल का, जो पानी के नीचे आपने देखा था वो उस टाइम, तो वो वाला था, तो मैंने सोचा इसको भी टेम कर लेते हैं। और दूसरा जो हमारा ये 90 लेवल का था, जो टेम होने के बाद 118 लेवल का हो गया, तो इसको भी हमने टेम कर लिया। तो इनको कैसे टेम किया, तो आप गाइस छोटी सी क्लिप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे मैंने एक और पैरासोरस को टेम किया था। इनको टेम करने के लिए मेरे को चाहिए थी बहुत सारी बेरीज, तो मैं यहाँ पे इसको लेके आ गया था। जब ये डायनासोर्स टेम हो रहे थे तब मैं नदी के किनारे नीचे चला गया, पर वहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छा वाला पैटर्न रोन देखा, तो फिर मैं इसको जाने तो दे नहीं सकता, तो मैंने इसको भी वहीं टेम कर। तो गाइज इसको टेम होने में लग रहा था बहुत ज़्यादा टाइम, तो फिर मेरे पास 12 या फिर 13 आई थिंक एम्बर थे, तो मैंने वहाँ पे शॉपिंग में जाके एक शोम क्या पता जो भी है, तो उसको ख़रीदा, तो उसकी जो टेमिंग स्पीड है वो 3x हो गई। यहाँ पे गाइज मैंने एक बोरेक्स को देखा, यहाँ पे पानी के अंदर तैर रहा था, तो इसका लेवल अच्छा खासा था, तो मैं इसको जाने देता दे नहीं सकता था, तब यहाँ पर भी मैंने उसको टेम कर दिया। रास्ते में गाइज मुझे एक कुछ गिफ्ट टाइप का मिला, तो इसको खोला तब मेरे को एक रैक्स का मतलब कि कुछ डायनासोर का मेरे को हेलमेट मिल गया। तो गाइज बोरेक्स भी हमारा टेम हो गया था, तो जल्दी से मैंने इसका भी सैडल बना दिया और इसको भी मैं ऊपर लेके चला गया। ओके, तो अभी हम एक परमानेंट बेस बनाएंगे इसी आइलैंड के अंदर, तो अभी फ़िलहाल हमने जाना पड़ेगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो चलिए इसको मैं उठाता हूँ अपना पेट्रोनोडोंग को और चलते हैं नीचे की तरफ। तो गाइज ये रहा हमारा ट्राइक, ओके। और यहाँ पे हम टेम्प्ररी नहीं एक परमानेंट बेस बनाएंगे, ठीक है। अपन परमानेंट बेस बनाए, एक मिनट देखो, इससे हम इसको कैप्चर भी कर सकते हैं। ये देखो नीचे लटक रहा है बेचारा बंदा, और यहाँ से इतनी हाइट से हम इसको गिराएंगे नीचे, ठीक है। गिर गया, हाँ गिर गया। इसको मारने के लिए मेरे पास स्पेशल अटैक है, ये वाला स्पिनिंग अटैक, ठीक है। एक बार इसको वापस मारता हुआ देखा,
ये वाला। अरे यार थक गया, इसको अभी भी थकना था। कोई ना मार तो मार, कितना मार सकता है। मार दिया, अब मेरी बारी। रुक, तो ये गाइस हमारा स्पिनिंग अटैक अटैक, और इसी से हम कर सकते हैं हार्वेस्ट भी। ओके, तो गाइस अभी हम करेंगे मटेरियल, बहुत सारा ढेर सारा मटेरियल इकट्ठा करेंगे, और इसके हिसाब से हम अपना एक बहुत ही सुंदर सा आलीशान यहाँ पे महल बनाएंगे, ठीक है, इसी आइलैंड पे, यहीं पे। ताकि क्या है कि मेटल को, मेटल की भी हमारे पास कमी नहीं होगी, ऊपर है, और क्रिस्टल की भी हमारे पास कमी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट यहीं पे हम एक बहुत बड़ा यहाँ पे घर बना लेंगे, ठीक है, इन पत्थरों को तोड़ देंगे। वेट अ सेकेंड, उस घर को बनाने के लिए मेरे को बहुत सारा वुड और स्टोन चाहिए होगा, तो क्यों ना हम पहले उनको टेम कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा वुड और स्टोन हमें ला के दे। तो हाँ, सबसे पहले उनको ही टेम कर लेते। तो यहाँ पे पानी में कुछ चूहे जैसे जीव यहाँ पे दिखाई देंगे, तो हमें करना है उनको टेम, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हमें वुड ला के देते हैं, ठीक है। तो ये जो उनका घर दिख रहा है, ये वाला, ये उनका ही घर है, ठीक है गाइस। तो वो यहीं कहीं पे मिल जाएंगे हमें, उनके तीन तीन घर है यहाँ पे है। इनके अंदर भी हमें बहुत सारा सीमेंटिंग पेस्ट मिल जाएगा, लेकिन अभी हमें वो सीमेंटिंग पेस्ट की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल हमें उनको ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पर देखो सांप भी है बहुत सारे, तो इनसे बच के रहना है, हमारा जो टॉर्पोड है वो बढ़ जाएगा अगर इन्होंने अगर हमें डसा तो। एक और यहाँ पे सांप है, ऐसे करते एक बार हमको इनका जो घर है उनको लूट लेते हैं, मे बी वो घर से बाहर निकल के हमको मारने आ जाए। सो लेट्स सी, सबसे पहले तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पर उतरूँगा, इसको करूँगा फॉलो करवाऊँगा, ठीक है, ताकि पानी से ही मैं भाग के आ जाऊँ। तो गाइज हमें वो चूहे मिल गए हैं यहीं कहीं पे, एक तो ये रहा, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको देखूँगा ये कितने लेवल का है, तो ये है 20 लेवल का, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है, तो हमें इसको करना पड़ेगा ख़त्म। इधर आ, ओके, तो चलिए और ढूंढते हैं। तो गाइस एक और मिल गया मेरे को यहाँ पे, लेट्स सी ये कितने लेवल का है। इधर आ भाई, 85 लेवल का है, फीमेल है, तो इसको तो टेम करना बनता है गाइस। होली शिट, ये पिराना कहाँ से आई, निकल। ओ नो, वहाँ पे दो दो सांप आ गए हैं, तो मुझे इसके अंदर डुबकी लगानी पड़ेगी, तलवार को निकालता हूँ। अच्छा ये रहा, इसको एक मिनट ऐसा करता हूँ, मैं एक गोली मार के भाग जाता हूँ मैं खुद ही। आ गया, आ रहा है, भाग, नाइस, कम बेबी कम भाई, स्पीड तो बहुत तगड़ी है इसकी। भाग रहा है। नो, ये पानी में बेहोश हो गया। अरे शिट यार, कोई भी पिराना आके इसको मार डालेगी, पता है मेरे को, जितना मुझे पता है कोई भी पिराना आके इसको टपका देगी। फिलहाल मैं वहाँ जाता हूँ अपने पेट्रेनोडों के पास, और वहाँ से उसको मैं बुला लेता हूँ अपने पास। क्या यहाँ से सुन लेगा वो? नहीं, थोड़ा और क्लोज रेंज में होना ज़रूरी है ना। अब सुन लिया, आजा भाई। अब उसकी सेफ्टी के लिए मेरे को वहाँ पे कुछ ना कुछ स्पाइक्स डालने पड़ेंगे। ओके, आ गया मेरा भाई यहाँ पे, और यहाँ पे ये रहा मेरा चूहा, इसको करता हूँ यहीं रोकने का बोलता हूँ, और यहाँ पे मैं बनाऊँगा थोड़े बहुत स्पाइक्स, ऐसा मैं होने नहीं दूँगा। एक यहाँ पे, ठीक है, सेम, एक यहाँ पे। अब कोई भी पिराना इसके पास तो आने से रही है ना, बढ़िया। ये बाहर क्यों गई ऐसे, कहीं को क्या हो गया? एक तड़पती हुई जा रही है, एक खून बहती हुई ऊपर जा रही है। पंचू ये क्या था रे? अच्छा वो अंडा चोर, इसका नाम देख लेते, इसका नाम क्या है? क्रेस्टरॉइड्स, ओके क्रेस्टरॉइड्स प्रो। तो गाइज ये ऐसे तो टेम होने से रहा, बहुत ही धीरे धीरे टेम हो रहा था। तो अभी फ़िलहाल मैंने सोचा है कि
इसके लिए हम किब्बल बनाएंगे, ठीक है। तो उस किब्बल से इसको टेम करेंगे। तो चलिए इसके लिए किब्बल बनाते हैं। तो यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है जिसके अंदर अगर कैस्ट्रोल को टेम करना है तो उसके लिए हमें इस गैलीलियम को टेम करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंडे से ही हम इसके किब्बल को बना सकते हैं। और इसको टेम करने के लिए हमें डेमेट्रोन को टेम करना पड़ेगा, और इसको टेम करने के लिए क्विट्जल को, और क्विट्जल को टेम करने के लिए रैक्स को, और रैक्स को टेम करने के लिए इस बिच्छू वाले जीव को, ठीक है। तो हम करेंगे सबसे पहले इस बिच्छू वाले जीव को टेम, या फिर इसके अंडे को, कोई कुछ भी हो, देखते हैं अंदर, ठीक है, क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले इससे शुरुआत करते हैं, बाद में इस हायरार्की की मदद से सबको एक एक करके हम टेम करेंगे, ठीक है। और इस बिच्छू को टेम करने के लिए हमें चाहिए रेगुलर किब्बल, ठीक है। रेगुलर किब्बल को बनाने के लिए हमें चाहिए मीडियम साइज एग, कुक्ड मीट, जर्की, लॉन्ग ग्रास, सेवरूट फाइबर, वॉट स्किन। तो अभी फ़िलहाल हमें करना पड़ेगा, एक बनाना पड़ेगा, मे भी बोल सकते एक फील्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है, खेत बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम लॉन्ग ग्रास और सेवरूट को हम बना सके, ठीक है। फिलहाल हम अपने इस कैस्ट्रॉइड को छोड़ते हैं, तो प्लॉट सर्च करते हैं, और लार्ज क्रॉप प्लॉट है हमारे पास, इसको बनाएंगे। इसके लिए चाहिए वुड स्टोन, एक। ओके, तो चार हमारे पूरे के पूरे प्लॉट्स, लार्ज प्लॉट जो है वो बन गए क्रॉप प्लॉट। तो इनको बिछाएंगे हम पानी के पास में, इसको ऐसे रख लेते हैं, डन। अब इसके अंदर हम बिछाएंगे अपने सीड्स को, पहले तो इनको मार देता हूँ फालतू, ये इधर आके डेढ़ होशियारी पटकते हैं। तो अभी फिलहाल देखते हैं कितनी सीड्स के पास आ गई है, मुझे तो बस एक एक चाहिए सबकी, ठीक है। तो लाइक हमारे पास है, पहले तो मेरे को रॉ कैरेट की एक सीड चाहिए, सावरूट की चाहिए, ठीक है, लॉन्ग ग्रास की चाहिए, और एक मैं ले लेता हूँ ये नार्कोबेरी की, बिकॉज नार्कोबेरी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, रॉक कैरेट। तो इन सब के अंदर मैंने सब कुछ तो डाल ही दिया है, अब मुझे क्या करना बताएं, इन सबको देना है पानी। तो पानी के लिए मे बी यहाँ पे कुछ होगा, लाइक मैं इनको ऐसे थैले के अंदर डाल के भी पानी डाल सकता हूँ, इसके अंदर डाल के, बट मैं बना सकता हूँ यहाँ पे मे बी स्टोन का आई थिंक कुछ होता है, ये रहा। तो स्टोन इरिगेशन पाइप यहाँ पे डाल देता हूँ, तो ये चाहिए मेरे को। और एक मिनट पहले इसको बना के देख लेता हूँ, 25 स्टोन चाहिए, ये रहा मेरे पास स्टोन। देखते हैं काम करता है कि नहीं करता यहाँ पे। अब यहाँ पे मे बी मैं डाल सकता हूँ, स्टोन इरिगेशन पाइप स्ट्रेट, स्टोन इरिगेशन पाइप टैब, एक मिनट टैब भी बना के देखता हूँ क्या चीज़ है। वुड चाहिए मेरे को, ओके आ गया पानी तो, बट फिर भी इस, ओके भर गया पानी तो, भर गया इसके अंदर भी, भर गया इसके अंदर भी, भर गया इसके अंदर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो पानी की सुविधा तो हो गई है, अब इनके अंदर डालना हमें फर्टिलाइज़र। तो चलिए वहाँ से अपने पुराने बेस से फर्टिलाइज़र लेके आते हैं। तीन चार और भी है मेरे पास, इन सब को लेता हूँ, और यहाँ से फिर चलते हैं वापस। अच्छा, क्रॉप्स इसके नीचे आ गई, मैंने सोचा मेरी क्रॉप्स कहाँ गई। इतना बड़ा पत्थर एक साथ, चार, और इसके अंदर दोनों डाल देता हूँ, बढ़िया। तो फर्टिलाइज़र भी हमारे पास बन गई हैं।
तो गाइस रेगुलर केबल बनाने के लिए हमें चाहिए कुक्ड मीट जर्की, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ऑयल भी चाहिए होगा। तो ऑयल हमें इस आइलैंड पे मिल जाएगा, हम जहाँ जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे समुद्र के अंदर हमें थोड़ा सा ऑयल मिल जाएगा, तो चलिए ऑयल को यहाँ से ले लेते हैं या नीचे उतर जाते हैं। और यहाँ अंडर हमें इसके अंदर ऑयल में भी मिल जाए, तो ऑयल के लिए मुझे जाना पड़ेगा अंडर, और अंदर है बहुत सारे शार्क, तो इनसे अगर मर जाए तो बढ़िया है। व्हाट द फक, ये कहाँ से आ गई? फिर मुझे इस पानी से बाहर निकलना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, मेरा टॉर्क बढ़ रहा है धीरे धीरे। और यहाँ पे ऐसे ऐसे बहुत सारी है, इन जेलीफिश को पहले मार देते हैं, ठीक है, इससे पहले कि ये मुझे मारे। अब वापस इकट्ठा करते हैं इनसे भी ये बायोटिक, अब चलते हैं अंदर, है ना, कुछ खा लेते पहले, और अभी चलते हैं ये गए अंदर। और ये जो मेरे पास मेटल की सॉड है ना, वो बहुत तगड़ी वाली है, ठीक है, इसका डैमेज भी बहुत तगड़ा वाला डैमेज है, अगर मैं भी इसको मार पाऊँ तो बढ़िया है, नहीं तो फिर गए काम से। भाई साहब अभी तो डैमेज भी बहुत तगड़ा करती है। ओके एक को गई, दोनों गए, भाई कहाँ से आई ये, कहाँ से आ रही है यार, आजा भाई तू भी आजा, ये मानता भी चली गई। आजा आजा तू भी आजा भाई, नो वे, भाई सब इतनी कितनी कहाँ से आ रही है यार ये, फिर मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, बाहर जा जल्दी, बाहर जा जल्दी, बाहर जा जल्दी, बाहर जा, आस पास तो कहीं दिख भी नहीं रही यार ये, जल्दी बाहर जा जल्दी, बाहर जा जल्दी, बाहर जा, ओके बढ़िया बढ़िया बढ़िया, खा खा जा, खाना खा, खाना खा जल्दी, कोई इफेक्ट तो दिख नहीं रहा मेरे ऊपर। अब जल्दी से पहले ऐसे करता हूँ, इनको रिपेयर कर देता हूँ जल्दी से, सब तोड़ दिया हरामियों ने। और इन मछलियों का मीट का क्या अच्छा डालूंगा मैं, इनको करता हूँ यहीं पे ड्रॉप, ऐसे करता हूँ ना, यहाँ पे बना के रख लेता हूँ एक स्टोरेज बॉक्स, थोड़ा और खाना खा लेता हूँ, और यहाँ पे स्टोरेज बॉक्स को रख लेता हूँ, और इसके अंदर सारा का सारा मीट ट्रांसफ़र, और अपने जो क्लोथ्स है उनको पहन लेता हूँ, और कुछ डैमेज तो नहीं है, ये जूता का पूरा डैमेज हो चुका है, बट इसको हम बाद में रिपेयर कर लेंगे, फिलहाल मैं अपनी हेल्थ को बढ़ा लेता हूँ। आई थिंक मेरे पास कुछ हैं, ये रहा 40 हेल्थ बढ़ती है इससे, ठीक है, एक बार देख लेता हूँ हेल्थ बढ़ भी रही है कि नहीं। ओके ओके बहुत तेज़ी से बढ़ रही है हेल्थ, फुल, चलो अभी इनको देखता हूँ। सालो हरामियों आओ मेरे सामने आओ, तुम कहाँ गई, भग गई साली, इसके अंदर क्या है? ओके ये ले लेता हूँ, और एक दांत भी ले लेता हूँ, कहीं काम आएगा। यार ये आ गई फिर से, ओके गई, और अभी इसको भी देख लेता हूँ इसके अंदर क्या है। दांत मिले मेरे को, एक रेसिपी, दो रेसिपी मिली है, और वहाँ से मेरे को ऑयल निकालना है। अरे भाई कहाँ से आ रहे हो तुम यार, गई गई एक में चली गई है तो, इस बाप रे बाप, इसके अंदर ढेर सारा सामान मिला है वैसे तो, बट फिलहाल किसी काम का नहीं है। नीचे जाता हूँ जल्दी से, और ऑयल है वो निकाल लेता हूँ यहाँ से। ओके जितना भी ऑयल मिला उतना काफ़ी है, अभी चलो बाहर। तो हमें मिला है ऑयल लगभग लगभग 25 ऑयल है, तो इन मछली वाले मीट को भी वापस यहीं पे डाल देते हैं, और अभी चलते हैं अपने बेस के ऊपर। तो गाइस अपने बेस के ऊपर हम वापस आ चुके हैं, और हम यहाँ पे प्रिजर्व बिन के अंदर, तो प्रिजर्व बिन में भी ये रहा प्रिजर्विंग बिन, इसके लिए चाहिए मेरे को स्टोन एंड वुड, यहाँ पे मे भी स्टोन और वुड मिल जाएगा, स्टोन तो है तो वुड भी बहुत सारा है, तो एक ये बना दिया मैंने, और एक
मैं बना लूँ, यहाँ पे स्टोन चाहिए होगा उसको बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बना सकेंगे एक, अरे प्रिजर भी मैंने ऑलरेडी बना रखा है यार, शिट। अब मुझे बनाना है एक मॉडलिंग पेस्ट, और ये भी बन गया। और अभी हम यहाँ पे इनको प्लेस करेंगे। आई थिंक एक मैं थेज का फाउंडेशन भी बना लेता हूँ, और उसको मैं रखूँगा यहाँ पे मे बी, या कहीं पे भी सेट नहीं हो रहा, यहीं पे बना लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक प्रिजर बीन, एक्चुअली मैंने दो बना लिए तो दोनों को यहीं पे रख लेता हूँ। और एक बनाऊँगा मैं इतना ये रहा मॉडल एंड पेस्टर, ठीक है। तो इसके अंदर मैं बनाऊँगा स्पार्क पाउडर, तो ये बन गया स्पार्क पाउडर। और अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे डालूँगा ये ऑयल, और इसके बाद पका हुआ मीट, फिर थोड़ा सा स्पार्क पाउडर, ओके। तो ये अभी हमारी कुक, जो कुक मीट जर्की है वो बननी तैयार हो चुकी हैं। तो ऐसे के ऐसे थोड़ी बहुत और मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। तो गाइस रेगुलर किबल बनाने के लिए मेरे को मिड साइज़ एग चाहिए होता है, तो मैं इधर उधर ढूंढ तो नहीं पाऊँगा, बट इसलिए मैंने इन कार्बोज को टेम करने का सोचा, जिसके अंदर एक तो है मेल और दूसरी जो है वो है फीमेल, तो इनको हम बाद में मेटिंग करवाएंगे तो हमें एग मिल जाएगा, तो उससे हम बना लेंगे रेगुलर किबल। तो फिलहाल मेरा एक कार्बो टेम हो चुका है और दूसरा कार्बो टेम होने वाला है, तो ये दोनों तो टेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा बेस बना लेता हूँ ताकि यहाँ पे ये दोनों मेटिंग करवा सकूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो बढ़िया, स्टॉप ऑल, रुक जाओ अंदर। अब यहाँ से करूँगा मैं इसको पैक, एक ये देखा यहाँ, एक दरवाज़ा यहाँ, डन। इन दोनों को कर दिया मैंने पैक, और अभी इन दोनों को करता हूँ मेटिंग। तो मेटिंग मोड में डालने के लिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ इनेबल वांडरिंग और इग्नोर ग्रुप फेशियल, enable wandering on ignore group mutation. Now mating process is working bro. darwaza band ab karte ho jo karna hai niklo yaar ye kya cheez hai wow acha but mujhe nahi pata ye hai kya harvest karne ke liye kuch chahiye arre wow ये मैंने पहली बार देखा, सब कुछ खा लिया इतना जल्दी। नहीं नहीं, उसको टेम करने के लिए हमने हायरार्की में देखा था, कुछ मुझे कुछ कोई कीबल बनाना पड़ेगा, ठीक है।
तो उसको भी टेम करेंगे बाद में, ठीक है। तो पहला हमारा ये टेम हो चुका है, इसको करते हैं फॉलो और अभी निकलते हैं यहाँ से जल्दी से, इधर से आ जा। तो यहाँ पे अब इसका कमाल देखिए, देखा इसको हम खिलाएंगे ये वाली स्टीम बेरी। तो इसको जैसे ही खिलाएंगे तो देखो ये पॉटी करना चालू कर देगा, और हम यही चाहते हैं। और इनकी जो ये एनिमल की जो ये फेसेस है, इनको यहाँ पे हम प्लांट्स के अंदर डालेंगे, ठीक है बस। और तो गाइस रेगुलर केबल बनाने में आ रही है दिक्कत, तो इससे हम क्या करेंगे बताए, हमारे पास एक दूसरा तरीका है। हम लेके जाएंगे ये वाला स्पॉइल्ड मीट को और इससे करेंगे उनको टीम, ठीक है। तो चलते हैं अभी उस पहाड़ी पे। तो गाइस हमें जाना है उस वाले आइलैंड पे, वहाँ पे हमें मिलेंगे सारे के सारे जो बिच्छू टाइप में जो जीव है वो। तो गाइस वो रहे हमारे ग्रिफिन और आर्चीज और सब वहीं पे। तो गाइस मुझे बिच्छू वाले जीव यहाँ पे मेरे को मिल गए हैं, ये तो मेल है, मुझे मेल नहीं चाहिए, बहुत ही छोटा लेवल वाला मेरे को ये चाहिए, ठीक है। यहाँ पर और भी है, वैसे ये क्या है, अरे वाह इनके अंडे, ये फीमेल है, ये भी फीमेल है, बाप रे क्या टॉर को दिया, क्या टॉर दिया है। उनके अंडे मेरे को चाहिए, चलो उतरता हूँ यहाँ पे, इसको करता हूँ पैसिव। अब भागते वापस, दिखता हुआ है तुम्हें। अभी करते इसको टीम। ओके हो गया बेहोश, मैं अटक गया हूँ, इसको मीट खिलाता हूँ। गाइस वो बिच्छू मेरे को बार बार मारने के लिए आ रहा है, बट मैं तो उठ रहा हूँ हवा में। यहाँ पे आया, अब मैं इसको मारना चाहता हूँ बट इसको लग नहीं रही, एरो भी मार के देख लिया नहीं लगी, किसी को भी नहीं लग रही, तो ये वापस चला गया। अच्छा वहाँ से चला गया, डन। इसके अंदर डालता मैं सैडल जल्दी से, हैं तो ये भी बढ़िया है। ओके स्पीड भी तगड़ी है इसकी, तो अभी फिलहाल चलते हैं यहाँ से नीचे, मेरे को दो अंडे ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो फिर अभी हम चलते हैं फिलहाल घर पे। तो भाई साहब यहाँ पे दो टिनोसॉरस यहाँ पे स्पॉन हो चुके हैं, एक 5 लेवल का मेल है और दूसरा 10 लेवल का मेल है, तो अब इन दोनों को तो टपकाना ही पड़ेगा। ऐसी टीम, इसकी हेल्थ बहुत खाली, इसने दूसरा वाला कहाँ है ये रहा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले एपिसोड में बिल्कुल एक नए एडवेंचर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गाइस। You know what's